आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, मैं और मेरी वाईफाई, और हम कुछ मुझसे पूछेंगे सवाल और मैं उसके कुछ जवाब दूंगा जो मेरी बेस्ट नॉलेज में है और जो आई थिंक मोर इफेक्टिव है व्हाइल माइग्रेटिंग फ्रॉम योर कंट्री टू कनाडा। पूछिए। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन कनाडा आफ्टर योर फर्स्ट लैंडिंग, यानी आप एज अ पीआर जब पहली बार कनाडा में लैंड कर रहे हैं, टोटली डिफरेंट सिनेरियो, फ्यू डेज की कहानी नहीं है, आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है, सो एवरी पेनी काउंट्स वाली सिचुएशन है आपके साथ। तो आप क्या कहते हैं कि लोगों को, लोग जब यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो कहाँ रहेंगे? जिनके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली उनको एयरपोर्ट से पिक करेगी, उनको अपने घर ले जाएगी, उनको थोड़े दिनों में अकोमोडेशन जो है वो ढूंढ सकते हैं आराम से। लेकिन जो लोग जिनके फ्रेंड्स और फैमिली यहाँ नहीं है वो क्या करें, वो एक इंटायरली न्यू कंट्री में आ रहे हैं। यार देखो, आप जब माइग्रेट करते हो किसी कंट्री से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब किसी कंट्री में जाओगे आपको उस कंट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे वहाँ ट्रांसपोर्ट काम करती है, कैसे वहाँ हाउसिंग है, कैसा घर है। तो आपको जो भी कुछ बता दें, इवन कि मैं भी कुछ डिस्क्राइब कर दूँ, आपको पक्का समझ नहीं आएगा कि यह चल क्या रहा है जब तक आप खुद नहीं देखोगे। मेरी एडवाइस ये भाई कि अगर आपको कोई जाने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार यहाँ पे हमें जगह दे दें, या देखें अरेंज की वही थी कि आप कहीं लिमिटेड जहाँ जो फर्निश्ड घर हो, कि आप खाली जगह जाओगे आपको फिर, क्योंकि जब माइग्रेट करते हो लिटरली इट्स वेरी टायरिंग, बहुत चीज़ें होते हैं, फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, और जब बहुत थके हुए होते हैं तो यार मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। बेटर वो आपके जगह प्रिपेयर कर दें, आपके लिए फर्निश्ड घर मिल जाए, आपको अवेलेबिलिटी हो, वो अपने बेसमेंट में आपको जगह दे दें, आप उनको पे कर दें। जस्ट यहाँ पे कनाडा में लोगों की बहुत कम जो है, बहुत लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डॉलर्स में खेल रहे हैं। तो आप उनको ये प्रपोज कर दें कि हम आपको पे कर देते हैं बेसमेंट के लिए, आप हमें, हम जो बिजली पानी का खर्चा है उसमें शेयर कर लेंगे। दिस इज द आइडियल मोस्ट सिचुएशन। अच्छा, अब अगर जो लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसे भी सवाल हम लोगों को मिले हैं जिसमें ये है कि लोगों के पास कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है कनाडा में, इट इज एन एंटायरली न्यू कंट्री फॉर देम, वो लोग क्या करें? तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि देयर आर फ्यू ऑप्शंस। एक ये है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी एक प्रॉपर इंटरनेशनल कंपनी है जो आपको प्रोवाइड कर देती है सर्विसेज, इसके लिए आप और चेक कर सकते हैं हाउ इट वर्क्स। उसके अंदर ये कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, पर ये होटल वगैरह से काफ़ी सस्ती है। इसके अंदर पूरा का पूरा आप कमरा घर आपको मिल सकता है, उसमें अप्लायंसेस मिल सकते हैं, आप कपल ऑफ डेज के ले लें, वीक दो वीक के ले लें, और फटाफट फिर आप भाग दौड़ के कोई भी यहाँ पे घर मिलते रहते हैं आप घर ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल, एयरबीएनबी आपको डिफरेंट ओनर्स हैं, डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आपको, वो अपने घर हैं उनके, वो एक कमरा भी आपको रेंट पे देते हैं वहां पे एयरबीएनबी पे, वो पूरा अपना फर्निश्ड अपार्टमेंट भी आपको देते हैं, फर्निश्ड टाउन हाउस भी देते हैं, तो या एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी देते हैं, वो आप अपने कन्वीनियंस से देख लें और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें कि वो आपको बच्चे रहने दे रहे हैं वन बेडरूम के हिसाब से, टू बेडरूम के हिसाब से, आपको कितनी जरूरत है और वो कितना अलाउ कर रहे हैं, कितने बच्चे कितने लोग रह सकते हैं। तो एक चीज ये है कि एयरबीएनबी किस एरिया में लेना चाहिए? यार मेरे हिसाब से आप उस जगह लें जहाँ ट्रांसपोर्टेशन इजीली आपको एक्सेस हो, प्लस जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आपके फ्यूचर जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जहाँ जो जो कंपनीज हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या जहाँ पे ज्यादातर जैसे मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ, जैसे आप सब लोगों को पता है कि मिसिसागा में और ट्रोनो में इनकी ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं लोकेटेड, तो हमारा जो मेन था अकोमोडेशन का जो रिक्वायरमेंट थी, हमें या तो मिसिसागा में लेना था या हमें रहना था
टोरंटो में, तो आप भी उसी हिसाब से देख लें कि आपकी फ्यूचर पहले जॉब कहाँ होगी, उसके बाद फ्यूचर अकोमोडेशन ऑब्वियसली उसी सिटी में होगी, तो उसी हिसाब से आप एयरबीएनबी भी उसी सिटी में उसी एरिया में लेने की कोशिश करें, ताकि आप अगर आप लेट्स सपोज मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज इन टोरंटो और मिसिसागा या फिर ऐसी जगह पर अमूमन है, लेकिन आप बिल्कुल लाइक आउट ऑफ जीटीए जगह लेते हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग वुड कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है। अगर आपको $100 सस्ता मिल रहा है पर आपकी ट्रैवलिंग के अंदर $200-$300 लग जाते हैं, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत महंगी है, इधर उबर और अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने एयरबीएनबी बुक कर लिया, से फॉर एग्जांपल 15 दिन के लिए, दो हफ्ते इज अ गुड इनफ टाइम कि आप शुरू के 3-4 दिन तो आप अपने बाकी चीजें करने में लग जाएंगे, फॉर एग्जांपल योर सिन कार्ड है, हेल्थ कार्ड है और सिन नंबर है, हेल्थ कार्ड, योर पीआर कार्ड्स एंड ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, इन चीजों में निकल जाएंगे। उसके बाद आप निकल जाएं आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। अब किस तरह की अकोमोडेशन आपको ढूंढनी चाहिए? आप एक अकोमोडेशन ढूंढते हैं, कौन सी बेसमेंट ढूंढ सकते हैं, फ्लैट कॉन्डो कहते हैं उसको यहाँ पर, वो ढूंढ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्निश्ड ढूंढें, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो जब जॉब नहीं है आपकी तो आप नेचुरली वी विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर एंड देयर, आप फिर फर्नीचर खरीदेंगे, बेड ये वो बर्तन वर्तन वैसे ही कुछ रह जाता है यहाँ पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्निश्ड बेसमेंट ढूंढें, फर्निश्ड कॉन्डोज जो भी आपको मिले वो ढूंढें, और मंथली रेंट पे आप ढूंढें। डोंट ट्राई टू साइन अ लीज और कॉन्ट्रैक्ट, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं, सब कुछ इम्पॉसिबल है, मंथली नहीं मिल रहा और आपको मूव इन होना ही है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन हम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं जो आप ट्राई करेंगे और आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आप मंथली बेसमेंट ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि मंथली बेसमेंट अगर आपको, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ने मिसिसागा में रहते हैं, लेकिन अगर आपको टोरंटो या स्कारब्रो किधर भी या किसी और सिटी में आपको जो है वो जॉब मिलती है, तो आप वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो मंथली जो है सेटअप वो खत्म करके आप अपना अपार्टमेंट या कॉन्डो बेसमेंट व्हाटएवर आप अपनी फाइनल अकोमोडेशन वी वुड से विच इज योर लास्ट स्टेप इन द होल सिनेरियो, वो आप उस अपने जॉब के करीब ढूंढ सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। जब आप बेसमेंट ढूंढ रहे हो तो यार मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा बहुत सनलाइट आए, तो एक होता है वॉकआउट बेसमेंट और एक होता है वॉकिंग बेसमेंट, वो आपको हम भी बता देंगे बाद में एक वीडियो शेयर करके कि डिफरेंस क्या है। तो जितना सनराइज जितना, क्योंकि यह थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है स्पेशली विंटर्स के अंदर, आप घर बैठे रहते हैं, बाहर निकलते हुए 10-15 सोचते हैं, जो लोग ऐसी जगह से आए हैं जहां इतनी बर्फ नहीं होती तो 10-15 सोचते हैं, तो प्लस गाड़ी नहीं है आपके, हाँ गाड़ी भी नहीं है, अच्छा होता है खिड़की में बंदा बैठ के देख लेता है क्या चल रहा भाई बाहर, तो अच्छा है वो लेंगे जिसके अंदर खिड़कियां और यू कैन सी द व्यू। से लेट्स से कुछ अरसे बाद आपको अपनी फाइनेंस कर लेते हैं, मुझे इस एरिया में या ऐसी अकोमोडेशन चाहिए, ये आपकी जॉब हो गई, से फॉर एग्जांपल मंथली बेसमेंट में रहते हुए आपकी दूसरे या तीसरे महीने में आपको जॉब मिल गई, से फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन में, तो आपने अब आप कैसे अकोमोडेशन ढूंढेंगे? अब जो हमारा लास्ट स्टेप है फाइनल अकोमोडेशन, वो आप कैसे ढूंढेंगे? एक तो वेबसाइट है जी फेसबुक मार्केट, फेसबुक के अंदर ये ऑप्शन होता है फेसबुक मार्केट मार्केट प्लेस, वो आप उसमें वहां सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, लोगों मैसेज कर सकते हैं आपको, फटाफट बता सकते हैं जी ये रिक्वायरमेंट है एबीसी। हाँ उसमें आपको रियल्टर्स के भी एड्स मिलेंगे, उसमें आपको डायरेक्ट ओनर्स से भी मिलेंगे, आप पूछ सकते हैं, समझ आ जाएगा कि ओनर डायरेक्टली कौन है, वो आप देख सकते हैं। बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे काफी, दे हैव देयर ओन लाइक मैनेजर्स, वो अप्रोच कर सकते हैं उनको, आप देखें बिल्डिंग में बाहर लिखा होता है जी यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके बात करें और हो सकता है। उसके अलावा कीजी जी एक एप्लीकेशन वेबसाइट पे है, उसका लिंक जरूर हम शेयर करेंगे अभी, और ये वो मेन प्राइम जगह है जहाँ हम शेयर कर सकते हैं चीजें वगैरह। एक चीज बोलूंगा कि जब आप ये चीज देखे होंगे तो लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं उसके अंदर, टाइम जमा कीजिएगा बगैर मतलब उनसे बात किए, बेसिक वो जाएंगे वहां एक और स्टोरी होगी, ये नहीं हमें ये चाहिए वही वो चाहिए हमें एक वो चाहिए, जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं उनको जरूर तंग करते हैं लोग कि यार हमें वो चाहिए जिसका ये हो, इतना डिपॉजिट दीजिए,
इतना ये दीजिए और क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए आपकी और ये ओनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये रियल स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेचारे रियल स्टेट एजेंट का इसमें कोई से नहीं है, जो ओनर ने उनको बोल दिया, लैंडलॉर्ड ने बोल वो दिया, वो देखना चाहते हैं कि यार हाउ लाइक विल यू पे द रेंट, हाउ विल पे द रेंट। और नेचुरली स्टार्टिंग में जॉब शायद नहीं हो आपकी, तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप रोड पे रहें। तो लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिसेंट है, आप सीधा बोल दो यार मेरे पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इज इट पॉसिबल कि उसका बगैर हो सके, अपना सीधा सीधा बोलिए कि जी मैं न्यू इमिग्रेंट हूँ, मेरे पास ये जॉब नहीं है, मैं आपको इतना रेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ और ये चीजें कर सकता हूँ, विल यू बी एबल टू यू नो गो विद मी। लेकिन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो जहां पे आपको कहते हैं, ये आजकल काफी 50% आई वुड से जो लोग हमें दिखा रहे थे जिन लैंडलॉर्ड्स, वो हमसे मांग रहे थे क्रेडिट हिस्ट्री। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे टाइम हो गया है तो वी कुड शेयर आर क्रेडिट हिस्ट्रीज विद देम, बट स्टिल वी वर अवॉइडिंग दैट क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री बार बार चेक नहीं करनी चाहिए आपकी। पर तो आप उस सूरत में क्या करें, उस सूरत में लैंडलॉर्ड्स एक और चीज भी मानते हैं, वो ये कि आप 6 months का एडवांस डिपॉजिट उनको दे दें, विच इज 6 months रेंट। मैं रिकमेंड, वो आगे जाके आपको तंग और करेंगे जितनी इनकी रिकमेंड होगी, जो इजी गोइंग लोग ढूंढिए जो आपको हेल्प भी कर सके। अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं मिलता कोई भी और अगर आपको एक जगह बहुत समझ आ गई है, पसंद आ गई है और आप वहां पे जाना भी चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कि क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए या तो आपको 6 months का डिपॉजिट चाहिए, तो आई वुड से गो फॉर द 6 months डिपॉजिट, बिकॉज वो डिपॉजिट आप ही के लिए आगे काम आएगा। फॉर 6 months आप बिल्कुल इस चीज से आप फ्री हो जाएंगे कि आपने रेंट देना है हर महीने, तो फॉर 6 months आपकी अकोमोडेशन फिक्स हो गई है, अब बाकी आपने फिर अपना ग्रोसरीज और बाकी चीजों का करना है, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल द थिंग्स। तो जब आपका अकोमोडेशन हो जाए कन्फर्म, फिर जो चीज इम्पोर्टेंट होती है वो है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में या तो आप वैसे कैनेडा हैज अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ ट्रैवलिंग, यहाँ बसेज हैं, टैक्सीज हैं, ऊबर्स हैं और ट्रेन्स भी हैं जो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस ले जाती हैं। नाउ यू कैन डू वन थिंग, आप ऑनलाइन जाके देख भी सकते हैं, और आई होप हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हाउ टू ट्रैवल इन कैनेडा की कुछ वीडियो बना के शेयर करें, विच विल बी यूजफुल। क्योंकि और फर्निश्ड के लिए भी हमारे पास एक वीडियो है, हाउ टू फर्निश योर अपार्टमेंट विद इन अ वेरी नॉमिनल, वेरी बेसिक बजट, मिनिमम बजट, तो आप उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं इन द एंड। और कोई क्वेश्चन हो जरूर आप लिखिए नीचे इन कमेंट्स, और ठीक है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्लानिंग टू माइग्रेट। सबके साथ शेयर करनी है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कोई मसला नहीं, इसके अंदर कर सकते हैं, हम लोग माइंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।